HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेठी में पिछले कई दिनों से चल रहा था जमीनी विवाद, 5 दिन के लिए लगाया गया PSC बल्ब। लखीमपुर खीरी में खिचड़ी, सहभोज और कंबल वितरण के साथ लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। सतना जिला की बेला स्थित गोविंदगढ़ रोड पर भारी जाम लगने से स्थानीय लोगों को परेशानियां। रीवा शहर में कॉलेज चौराहा रोड पर गुलफाम कॉम्प्लेक्स में आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। और नहीं सुधर रहे स्वास्थ्य महकमों के हालात, लखीमपुर खीरी में NM सेंटर पर बच्चे बदलने और पैसे लेने का आरोप। अमेठी में सेमरौता से हैदरगढ़ जाने वाली मेन रोड कस्बा शिवरतनगंज के बगल में लगभग 2.5 बीसा जमीन, जो दो पक्षों ने 2.25 बीसा जमीन एक ही नंबर में बैनामा के तौर पर ली थी, जिससे मौके पर जमीन कम होने के चलते कोर्ट में द्वितीय पक्ष फारूक की तरफ से मुकदमा भी प्रगति पर है। अमेठी के थाना शिवरतनगंज कस्बा मजरे खरगपुर में सेमरौता से हैदरगढ़ जाने वाली मेन रोड कस्बा शिवरतनगंज के बगल में लगभग 2.5 बीसा जमीन दो पक्ष फारूक और अनीता साहू ने 2.25 बीसा जमीन एक ही नंबर में बैनामा के तौर पर ली थी, जिसमें मौके पर जमीन कम होने के चलते कोर्ट में द्वितीय पक्ष फारूक की तरफ से मुकदमा भी प्रगति पर चल रहा है। इसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ और अपना अपना बनाने के चक्कर में 18 जनवरी को शाम लगभग 3 बजे दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें प्रथम पक्ष अनीता साहू और उनके पति सत्यप्रकाश साहू के मुंह और हाथों में गंभीर चोटें आईं। उसी को लेकर थाना शिवरतनगंज प्रभारी ज्ञानचंद शुक्ल ने बताया कि मामले में उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसी रात 19 जनवरी को पता चला है कि हिंदू बनाम मुस्लिम होने वाला है, तब भू विभाग अधिकारी SDM कानून को लेखपाल और CO तिलोई और कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची और दूसरे पक्ष फारूक को और अनीता साहू को बुलाकर भू विभाग अधिकारी दोनों पक्षों को बीच में बने तनाव को खत्म करना चाहा और आपस में उस जमीन में बराबर बराबर की बात कहकर जमीन की पैमाइश शुरू करवा दी। तब तक के लिए अनीता साहू का निर्माण कार्य रुकवा दिया गया था। इसकी सूचना स्थानीय विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह को मिली। सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय विधायक अपने दल बल के साथ पहुंचे और SDM तिलोई और सभी भू विभाग अधिकारी और साथ ही CO तिलोई पुलिस विभाग को बड़ी नाराजगी से फटकार लगाते हुए कहा कि ये बैनामा की जमीन पर आप क्यों रोक लगवा रहे हैं और किसके कहने से निर्माण कार्य बंद हुआ। नाराजगी जताते हुए स्थानीय विधायक ने अपनी मौजूदगी में सत्ता का फायदा उठाते हुए पुलिस प्रशासन, भू विभाग प्रशासन के सामने उस जमीन पर एक पक्षी निर्माण अनीता साहू का करवाने का काम किया और 5 दिन PSC बल और अनीता साहू को पुलिस प्रोटेक्शन देने का आदेश दिया और सत्ता की हनक देकर प्रशासन अभी तक मौन रहा। अमेठी से संवाददाता राजेंद्र भारती की रिपोर्ट, HBN न्यूज। लखीमपुर खीरी के पंचायत अलीगंज कस्बे में मां भारती सेवा संस्थान के तहसील प्रभारी ने शत्रोहन लाल अवस्थी और सोनू अवस्थी ने गरीबों को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला लखीमपुर खीरी के कोतवाली गोला गोकर्णनाथ के अंतर्गत ग्राम पंचायत अलीगंज कस्बे में मां भारती सेवा संस्थान के तहसील प्रभारी शत्रोहन लाल अवस्थी और सोनू अवस्थी के द्वारा गरीबों को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1 बीट हॉस्पिटल भीरा के द्वारा चिकित्सा शिविर भी लगाया गया। इसमें 125 जरूरतमंद गरीब और बुजुर्गों को मुख्य अतिथि के द्वारा कंबल वितरित किया गया और चिकित्सा शिविर में 369 मरीज देखे गए, जिसमें 65 मरीज मोतियाबिंद के चिन्हित किए गए। सर्जरी से संबंधित मरीज भी देखे गए जिन्हें दवाएं दी गई। बहुत ही प्रेम से गरीब माताओं बहनों को दिखाए थे, आंखों में कई बार आंसू आए उस दृश्य को देखकर। आज वास्तव में मतलब जो कार्य किया है ये कार्य शत्रुघ्न जैसे लोग ही कर सकते हैं। सर, आप चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 2-3 चीजें मैंने आज यहाँ कही भी। एक तो जो नई पीढ़ी है वो आजकल के जो मेडिकल स्टोर्स हैं उस पर नशीली दवाइयाँ और इंजेक्शन बहुत बिक रहे हैं, तो अपने बच्चों को गाँव में खासतौर पर इनसे दूर रखें। सरकार से भी अपील है कि मेडिकल स्टोर्स की जाँच किया जाए
मैंने बहुत अपने गांव में देखा है, बहुत जगह देखा है कि ये नस्ली दवाइयां जो हैं और इंजेक्शन। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष वन बीट हॉस्पिटल के चेयरमैन सरदार बहादुर सिंह मुख्य अतिथि, विश्व कीर्तिमान धारी यतीश चंद्र शुक्ल जो कि भाषण में लगातार 3 बार विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं, जो इससे पहले नेपाल के नाम था उसे पीछे कर भारत की सरजमी के नाम किया, और समाज सेवी शिप्रा खरे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रीतेंद्र सिंह, अंकित त्रिवेदी रहे। कार्यक्रम का संचालन यूसुफ अली अंसारी ने किया। माँ भारती सेवा संस्थान द्वारा सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। लखीमपुर खीरी से संवाददाता विकास वर्मा की रिपोर्ट, HBN न्यूज। मध्य प्रदेश के सतना जिला के बेला स्थित गोविंदगढ़ रोड पर भारी जाम लगने से वहां के स्थानीय लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं, और छोटे छोटे बच्चों को खास तौर पर स्कूल जाने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के सतना जिला के बेला स्थित गोविंदगढ़ रोड पर भारी जाम से वहां के रहवासी परेशान हो रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, जबकि पुलिस चौकी भी बेला में ही है, और ये रोड नेशनल हाईवे रोड है, और रोड रीवा से जबलपुर और बेला से ही गोविंद नगर सीधी के लिए भी रोड जाती है, और प्रशासन जबकि करोड़ों रुपए अरबों रुपए। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये रीवा नेशनल हाईवे रोड से मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये दरअसल यहाँ चंद्र लोक होटल है, और ये नियरेस्ट है अपना बेला, बेला बाईपास इलाका है, जो कि ये एक बाईपास जा रहा है और नेशनल हाईवे रोड है रीवा टू जबलपुर। यहाँ पे बहुत ही भीड़ भाड़ इलाका है, और यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था कोई नहीं है, और यहाँ का जो प्रशासन है एकदम शून्य पे है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे अभी हमने आगे से आ रहे थे, तो अभी हमने वहाँ चेक किया कि वहाँ पे ऐसा क्या चल रहा है, यहाँ पे लोकेशन ऐसा देखा गया कि वहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक हुआ है और बहुत ही ट्रैफिक जाम है, और लोगों को असुविधा से यहाँ पे जो असुविधा हो रही है उसके लिए कोई यहाँ प्रशासन जो है तो सक्रिय नहीं है। और ये जो क्षेत्र आ रहा है वो रीवा है, रीवा और सतना के बीचों बीच ये अपना, इसको भी आप देख रहे हो कि ये रोड भी है, जो लोगों में भी आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि लोगों को ट्रैफिक जाम होता है, धूल है, डस्ट है, बच्चे हैं जो स्कूल आते जाते हैं उनको भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ का जो प्रशासन है रीवा संभाग का, बहुत सुस्त दिखाई दे रहा है। HBN न्यूज चैनल से राजेश मिश्रा रिपोर्टर बात कर रहा हूँ, सतना। टैक्स वसूली करता है फिर भी बेला के रहवासियों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और प्रशासन शून्य पर है, जबकि बेला का कुछ हिस्सा रीवा जिला में आता है, और रीवा जिले का बॉर्डर है यही बेला सतना जिला में शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सतना प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, जबकि रीवा संभाग है और संभाग की हालत ऐसी है तो और जिलों में क्या होता होगा। HBN न्यूज चैनल से संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा शहर में कॉलेज चौराहा रोड पर गुलफाम कॉम्प्लेक्स में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के रीवा जिला में रीवा शहर स्थित कॉलेज चौराहा रोड पर गुलफाम कॉम्प्लेक्स में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। आग शॉर्ट सर्किट से लगना बताई जा रही है, और ये कॉम्प्लेक्स भीड़ भाड़ से इलाके में था। अच्छा हुआ कि टाइम पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई, जिससे आग पर काबू पा लिया गया। जबकि ये रोड मेन मार्केट शिल्पी प्लाजा को जाती है, जो महज थोड़ी ही दूर पर है, नहीं तो रीवा शहर तहस नहस हो जाता। जिस दुकान में आग लगी है वो ऑटो पार्ट्स की दुकान थी, और 5 मोटरसाइकिल जलकर खाक हुई। मामले में पुलिस जुट चुकी है। HBN न्यूज चैनल के साथ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। कहते हैं कि तुम हमें लाख सुधारने की जरूरत जाओ, लेकिन हम सुधरने वाले नहीं है। ऐसा ही कुछ नजारा रहा है उत्तर प्रदेश में। एक और हमारी मोदी सरकार स्वास्थ्य महकमे को सुधारने की लाख कोशिश करने में जुटी है, लेकिन कोशिशें हैं कि लगातार नाकामयाबी की ओर जा रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी जिले के तहसील पलिया कला में मजघई स्थित त्रिलोकपुर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र पर रविन्द्र कुमार निवासी ग्राम भगवंतपुर गुलरा की पत्नी पम्मी देवी को बीते प्रसव पीड़ा हुई थी, तो उसको लेकर त्रिलोकपुर NM सेंटर लाया गया, जहां पर NM की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी की नॉर्मल डिलीवरी के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। डिलीवरी के बाद आशा ने बताया कि उसका बेटा हुआ है, वो मिठाई
लाकर खिलाई। ये सुनकर खुशी खुशी महिला का पति रविंद्र मिठाई लेने चला गया। जब वो वापस आया तो उसको बताया गया कि उसकी बेटी हुई है। ये जानकर उसने वहाँ काफी मिन्नतें की उसका बेटा उसे दे दिया जाए, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई, जिसके बाद वो बेटी को लेकर चला गया। फिर बाद में उसने बच्चा बदलने का आरोप और A&M सेंटर पर पैसे लेने का आरोप लगाते हुए एक तहरीर मजगई चौकी पर दे दी। और फिर उसके बाद महिला के परिवार वालों ने A&M सेंटर पर जमकर हंगामा किया। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और पलिया CHC के अधीक्षक डॉक्टर SK चौधरी अपनी डॉक्टरों की टीम को लेकर पहुंचे और पूरी जांच पड़ताल की। फिर से डॉक्टर साहब बता दीजिए, जरा गड़बड़ कर रहा है, एक मिनट। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, A&M सेंटर त्रिलोकपुर में मैं अभी जब निरीक्षण किया हूँ, मैंने ये पाया वहाँ जा करके 3 बजे एक डिलीवरी हुई थी रात में, उसके एक बच्चा लड़का हुआ था और वो बाहर बरामदे में वो थे, अंदर नहीं थे। इनकी डिलीवरी सुबह 10 बजे हुई, 10:15 के करीब हुई है। इनकी बहन भी थी वहाँ पे बैठी हुई है ना, और लोग जनरली यही कह देते हैं कि बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। और इन्होंने 4000 की दवा अपने वाइफ को किसी झोल मतलब बाबा से खिलवा रखा था। इनके दिमाग में ये था कि लड़का हुआ है ना, तो बाद में जब ये देखे हैं, देखने के बाद जो है ये हुआ कि तो लड़की है, हैं तो ये ब्लेम लगा रहे हैं कि नहीं लड़का लड़की, ये बदल है ना। इनकी बहन भी वहाँ पे थी, सभी बोल रहे थे ना, सभी बोले। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो जांच हुई है, जांच का क्या है? देखिए, हमने ब्लड ग्रुप पे इनिशियल जांच कराई है, जो ब्लड ग्रुप बच्चा जो है इनसे मैच कर रहा है ना। अगर उसके बाद भी ये संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम DNA टेस्ट कराएंगे। अच्छा डॉक्टर, जल जाने ऐसा कुछ? अब भाई देखिए, किसी को ये ब्लेम लगाएंगे, गलत ब्लेम लगाएंगे तो फिर उल्टा, अगर गलत निकलेगा, अगर DNA टेस्ट में अगर गलत निकलता है, हैं, तो भाई जो ब्लेम लगाए थे ये तो ये भुगतेंगे। ये थाने में दे आए हैं एप्लीकेशन, हम वही चौकी में दे आए हैं, तो चौकी वाले तो कार्रवाई करेंगे ही, है ना। यहाँ डिलीवरी देखी थे आशा हंगाम की, मामला यह है कि वो कह रहे हैं बदल दिया, बदला कोई नहीं, वो लड़का रविंदर क्या है, हमने नहीं थे जब डिलीवरी हुई थी, हम बाहर थे, हम डिलीवरी नहीं करवाई। और क्या मामला इसका? तो पैसे मांगे कहा थे तो धीरे हुई, तो वहाँ कह रहे नहीं, 500 रुपया दिया था, 400 राकेश ने, 100 रुपया मैं, 3 लोग लेंगे राकेश A&M के घर वाले हैं, वो फार्म भरते रहे A&M थी यहाँ, और महिला को लेकर पलिया CHC लेकर आए, जहां उन्होंने महिला और बच्चे का ब्लड टेस्ट करवाया। अधीक्षक का कहना है कि माँ और बच्चे दोनों ग्रुप एक ही है और उनका बच्चा बदलने का आरोप है वो गलत है, लेकिन महिला और उसका पति इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि उनकी बेटी हुई और वो बाहर DNA की जांच करवाने की बात को बोल रहे हैं। फिलहाल अधीक्षक ने बच्चे बदलने के आरोप को गलत बताया है। उनका कहना है कि किसी ढोंगी बाबा के द्वारा उनको लड़का होने की बात बताकर उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया, और उधर भी महिला और बच्चे के DNA टेस्ट करवाने की बात कही जा रही है और उनका आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई करने की बात हो रही है। लखीमपुर खीरी से संवाददाता विकास वर्मा की रिपोर्ट, HBN न्यूज। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए HBN न्यूज। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर।